ऐश्वर्या एंगले और स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। बात करेंगे आज हम कुछ चुनिंदा अपडेट्स की और जानेंगे उन्हें विस्तार में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, भारत बायोटेक के कोविड 19 के वैक्सीन वॉलंटियर दीपक मारवी की मौत हो गई। मौत की खबर आने के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंचे और उनके परिवार वालों से मिले। उन्होंने उनके परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी हर संभव मदद करेंगे। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए और पूछा कि वैक्सीन निर्माता सिर्फ गरीब लोगों पर ही क्यों परीक्षण कर रहे हैं, और यदि उन पर परीक्षण कर रहे हैं तो वे निगरानी में क्यों नहीं है। दीपक मारवी भोपाल के तिलाजमलपुरा के निवासी थे। अब नजर डालते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में आने वाले नए कानून की। पत्थरबाजों के खिलाफ कानून का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जो जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट जाएगा। दंगाई यदि समकारी संपत्ति के अलावा किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति जैसे दुकान, मकान या किसी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसकी भरपाई उन्हें ही करनी होगी। यदि भरपाई नहीं की तो ऐसा करने वाले के खिलाफ राज्य सरकार स्वयं कोर्ट जाएगी और उन्हें क्षतिपूर्ति की राशि दिलाएगी। इसके अलावा उन लोगों को भी नुकसान की भरपाई करनी होगी जो उग्र आंदोलन को हवा देंगे और लोगों को भड़काएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है, जिसके अंतर्गत 5 साल की सजा होती है। तो फिर नए कानून की क्यों जरूरत है? पुराने कानून में पत्थरबाजों और सिविल लायबिलिटी यानी जवाबदेही का कोई भी जिक्र नहीं था, इसलिए नया कानून लाया जा रहा है। मंत्रियों की बैठक में अन्य राज्यों के इस विषय में कानून में चर्चा की गई, परंतु कोई भी कानून मध्य प्रदेश के लिए कारगर नहीं लगा और फिर यूपी के कानून को प्रमुख लेकर मध्य प्रदेश का यह कानून बनाया जाएगा। दंगा, बंद, हिंसात्मक प्रदर्शन, पत्थरबाज, ये सभी इसके दायरे में आएंगे और जब केस की सुनवाई होगी तो जज या मजिस्ट्रेट जब सजा सुनाएंगे तभी नुकसान की राशि भी तय करेंगे। आरोपी यदि पैसे देने में देरी करता है तो उस पैसे की राशि पर ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि आरोपी पैसे की राशि नहीं देता है तो उसकी निजी संपत्ति को नीलाम करके उससे नुकसान की भरपाई की जाएगी। एक से ज़्यादा यदि व्यक्ति आरोपी है तो नुकसान की भरपाई सब पर समान रूप से आएगी। इस कानून के अंतर्गत सारे केसेस की सुनवाई क्रिमिनल कोर्ट में होगी। अब बात करते हैं किसान और सरकार की 9वीं बैठक की। 44 दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान और सरकार के बीच 9वीं बैठक हुई, जो फिर से बेनतीजा रही। जैसे ही कृषियों ने कानून वापसी की बात की, सरकार ने उन्हें तुरंत मना कर दिया और कहा कि कानून वापसी की कोई बात नहीं होगी, जिसके जवाब में कृषि मौन रहे। इसी वजह से बैठक 3 घंटे में ही खत्म हो गई और ये अब तक की सबसे छोटी बैठक थी। बैठक खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि वे अब आंदोलन को और तेज करेंगे और 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद वे राजपथ पर परेड करेंगे। अन्य किसान नेताओं ने कहा है कि 23 जनवरी तक वे प्रदर्शन कर रहे किसानों की संख्या दोगुनी कर देंगे। सरकार ने कहा है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा और दूसरी बैठक की तारीख 15 जनवरी निकाली है। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि वे ये देखें कि किसान प्रदर्शन करते वक्त सावधानियां बरत रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वे ये नहीं चाहते कि कोविड-19 का संक्रमण दोबारा फैले। अब नजर डालते हैं इंदौर में शुक्रवार को हुई कोविड-19 की ड्राई रन की ओर। 4 स्थानों में हुआ था कोविड-19 का ड्राई रन, जिसमें कुमचंद पॉलीक्लिनिक, हाथोद हेल्थ सेंटर, राजश्री अपोलो और MYH हॉस्पिटल था। मामूली परेशानियां आने के बावजूद भी मोटे तौर पर यह ड्राई रन सक्सेसफुल रही। ऐप में लाभार्थियों की सूची नहीं आने के कारण बहुत देर तक कुछ काम ऑफलाइन करना पड़ा था, जिसके कारण तकलीफ हो रही थी। इससे पहले 10 साल पहले पोलियो अभियान के दौरान ऐसी वैक्सीनेशन रन हुई थी और अब हुई है 10 साल बाद, जिसके चलते कुछ अव्यवस्थाएं रही। जिला टीकाकरण अधिकारी ने कहा है कि ऐप में प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से कुछ तकनीकी खराबियां भी थी। राजश्री अपोलो में 25 लोगों में से केवल 19 लोग ही मौजूद थे। MYH में सर्वर बंद था, जिसकी वजह से काम आधा घंटा देर से शुरू हुआ था। किसी को SMS नहीं पहुंचा, तो यदि किसी को SMS पहुंचा तो उसमें उनका नाम नहीं था। सही गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे वैक्सीन कोहनी पर लगनी थी परंतु लोग फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर आ गए थे। जिला कलेक्टर ने कहा है कि 46 कोविड हॉस्पिटल्स के साथ साथ 100 और कोविड वैक्सीन के सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें से 35 ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए MP न्यूज TV। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।